नमस्कार सभी भाइयों को। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपकी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू पेपर दैट इज यूज्ड इन हाउसकीपिंग मटेरियल सप्लाई बिजनेस। हाउसकीपिंग मटेरियल सप्लाई बिजनेस में टिश्यू पेपर का एक बहुत मेन रोल है, क्योंकि मोर देन भी नहीं बोलेंगे, अराउंड 50% के आसपास इसी की सेल होती है। अब टिश्यू पेपर्स कितनी अलग अलग तरह के होते हैं, इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन थी लोगों में। एक मेरे फ्रेंड ने कहा था कि आप इसको लेके एक वीडियो बनाइए, क्योंकि लोगों को जो ये बिज़नेस करना चाहते हैं उसे इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। अब उसी के लिए मैं कुछ ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, अलग अलग टिश्यू पेपर्स हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इनका नाम बता देता हूँ मैं, क्या क्या कहते हैं। इसे कहते हैं एच आर टी रोल, जो वॉशरूम्स में यूज होता है। दिस इज किचन रोल, दीज आर द नैपकिंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैपकिंस। दिस इज फेस टिश्यू, आप इसी गाड़ियों में भी यूज़ करते होंगे ना, कार में। ये एम फोल्ड है, ये सी फोल्ड है। ये टॉयलेट रोल है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, और जी आर टी भी एक तरह का टॉयलेट रोल ही होता है, बट ये बड़ा होता है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ये और ये किचन रोल, ये सेम है, ये नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, काफ़ी ऑफिस की पेंट्रीज में यूज़ करते हैं, ये रेस्टोरेंट वगैरह बार में यूज़ करते हैं। अब चलिए डिटेल में बताते हैं। जो किचन रोल है, मेनली किचन वगैरह में क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब पेंट्री वगैरह में, ऑफिस में या घरों में लोग इस शेप का यूज़ करते हैं, इस साइज़ का। और जो बड़ी बड़ी किचन्स होती हैं, बार्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कमर्शियल किचन्स होते हैं, उसमें इस साइज़ का यूज़ होता है। ये आता है किलो के हिसाब से, सेम ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, और बहुत डिमांड होती है इसकी किचन में, फूड चेन में ये लगा लीजिए। ये हाउसकीपिंग बिजनेस आप कर रहे हैं तो ये मस्त है। ये आपका नॉर्मल छोटे किचन के लिए, घरों के लिए, पेंट्रीज के लिए, ऑफिस की पेंट्रीज के लिए होता है। ये है आपका एच आर टी रोल। आप कह रहे होंगे यार ये भी सेम है, साइज़ भी सेम है, इसमें डिफरेंस क्या है। मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ये यूज़ होता है वॉशरूम्स में हाथ पोंछने के लिए, और ये यूज़ होता है किचन में। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसकी कोर देखिए छोटी है, ये बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इसकी कोर छोटी है, और इसकी कोर आप देखेंगे इसकी कोर बड़ी है, ठीक है। एक ये सबसे सिंपल तरीका पहचानने का, ये वॉशरूम में यूज़ होता है, ये किचन में यूज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं नैपकिन के बारे में। नैपकिन्स जो होते हैं रेस्टोरेंट्स में, ऑफिस में, और भी कई जगह यूज़ होते हैं। अब आइए ये देखिए, सबसे पहले ये आता है छोटा वाला, सस्ता वाला। ये जो आपने रेहड़ी पत्रियों पे या मोमोज वालों के यहाँ किसी के यहाँ खाया होगा तो उसके यहाँ नैपकिन मिलता है, वो ये वाला होता है, सबसे सस्ता वाला। फिर इसके बाद आता है इसका साइज़ सेम होता है, बट ये क्वालिटी है। ये यूज़ होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम बार्स में, और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी इसे यूज़ करते हैं। इसे बाहर नैपकिन भी कहते हैं, कॉकटेल नैपकिन भी कहते हैं, 9x9 सिंगल प्लाई नैपकिन भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे, जिसे सिंगल प्लाई नैपकिन जो 100 पीस की पैकिंग होती है, और जिसे डबल प्लाई नैपकिन ये 50 पीस की पैकिंग होती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, सिंगल प्लाई और डबल प्लाई में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल प्लाई सिंगल लेयर पेपर होता है, टिश्यू पेपर का सिंगल लेयर, जैसे सिंगल प्लाई, और उसी को अगर डबल लेयर कर देते हैं जो अच्छा होता है क्वालिटी वाइज, उसे कहते हैं डबल प्लाई, ठीक है। तो इसीलिए वैसे तो देखा जाए तो अगर मैन्युफैक्चर की नज़रिए से तो दोनों में 100 पीस है, बट ये सिंगल प्लाई है, ये डबल प्लाई है। कस्टमर एक बार में यूज़ करेगा तो डबल लेयर पेपर उसके पास जाएगा, मोटा होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसकी रेट भी ज़्यादा होता है, 100 पीस से ज़्यादा 50 पीस की रेट होता है, ठीक है सर। ये रेट वाइज मैंने लगाया, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। फेस टिश्यू के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में तो सब जानते हैं, बच्चा जानता है, रोड साइड पर, रेड लाइट पर भी बिकता है वो, देखा होगा, दुकानों पर भी मिल जाते हैं। नॉर्मल नैपकिन निकालो, फेस यूज़ करो और फेंक दो, ऑब्वियसली डस्टबिन में। इधर आइए, अब इन दोनों के ऊपर आते हैं। दिस इज एम फोल्ड एंड दिस इज सी फोल्ड। अब इन दोनों का नाम एम फोल्ड और सी फोल्ड क्यों पड़ा है, पहले ये जान लेते हैं। एम फोल्ड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यू पेपर होता है वो एम शेप में फोल्ड होता है, इसलिए एम फोल्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमने निकाला था तो ये एम शेप का फोल्ड निकला था, इसलिए इसे कहते हैं एम फोल्ड। उसी तरह ये सी शेप में फोल्ड होता है तो उसका नाम होता है सी फोल्ड। तो आप ये कहेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पीसेस सेम है, बॉक्स भी सेम आता है इनका, 20 पैकेट का बॉक्स आता है। इसका पेपर, सी फोल्ड का पेपर, एम फोल्ड से मोटा होता है, डॉटेड गहरे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसमें इतने गहरे डॉटेड नहीं हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं।
इसलिए सी फोल्ड एम फोल्ड दोनों का यूज़ सेम है, हाथ पहुँचने के लिए यूज़ करता है। कोई कस्टमर है जो सी फोल्ड की डिमांड करता है, कोई कस्टमर है जो एम फोल्ड की डिमांड करता है। आपको डिमांड पूरी करनी है, जो कस्टमर मांगे वो उसे ऑफर करना है। कोई बेटर ऑप्शन मांगता है, सस्ता ऑप्शन मांगता है, तो दोनों में एक्सचेंज करके बता सकते हैं। एम फोल्ड की रेट और सी फोल्ड की रेट में करीब करीब 100 से 150 रुपये का अंतर होता है। सी फोल्ड महंगा होता है 100 से 150 रुपये, वो डिपेंड करता है आप अपना उसी सेंचुरी पेपर खरीद रहे हो या रिसाइकल पेपर खरीद रहे हो। रिसाइकल और सेंचुरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं हम टॉयलेट रोल के ऊपर। देखिए ये टॉयलेट रोल ही है, ऑफिसेज वगैरह में और होटल्स में छोटे वाले यूज़ करते हैं, वन टाइम यूज़ होते हैं, इसलिए गेस्ट आता है थोड़ा सा निकालता है, उसके बाद उसे रीयूज़ नहीं करते, उसे ज़्यादातर फेंक देते हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में ये यूज़ करते हैं, पेशेंट के रूम में या गेस्ट के रूम में। उससे बड़ा नॉर्मल घरों में ऑफिसेज में ये यूज़ होता है, 100 ग्राम का होता है, कुछ और ज़्यादा भी होते हैं नॉर्मल, उससे बड़े वाले। और ये है GRT रोल, ये भी एक तरह का टॉयलेट रोल ही है, बट जस्ट लाइक मॉल्स में ज़्यादा फुटफॉल हुए, ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो कितना ये चेंज कर लेंगे? आपको पूरे दिन एक लड़का इसे चेंज करने में लगाना पड़ेगा, तो उसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ना। उसका सॉल्यूशन है GRT, जिसे जंबो रोल भी कहते हैं। इसे एक बार लगा दो, लंबा चलेगा, कितने भी गेस्ट आते रहें यूज़ करते रहेंगे, पूरे दिन में एक ही खर्च होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खर्च हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके भी साइज़ के अकॉर्डिंग, ग्रामेज के अकॉर्डिंग ये आता है। अब ये रहा किचन रोल, किचन रोल मैंने आपको बता दिया घरों में यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर भी इनको और इसको यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक मैं कहूँ तो वो जो जेल लगाते हैं अल्ट्रासाउंड करने से पहले उसे क्लीन करने के लिए, उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो टिश्यू पेपर्स के ऊपर, मार्जिन के ऊपर और मैन्युफैक्चरर्स कहाँ बैठे हैं वो तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसमें कितना मार्जिन होता है, कितना आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर लगा किसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है तो उसमें एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी या कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं या मुझसे डिमांड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो बने रहिएगा, अगली वीडियो के लिए जल्दी आएगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़। धन्यवाद।